भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। शर्म नहीं आती रहा लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते। पच्चीस नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है क्या? मुंह दिखाते हो यार जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग। मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 25 नगीने हैं मोदी जी के, ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी, ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती रहा लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न हैं प्रधानमंत्री जी के।